देखिए ओनली आई एम ने एंड ये हमारा 10 नंबर क्रोशिया है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे। तो यहाँ पे हम धागा स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हमने 4 चेन लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 4 चेन ले लिया है एंड यहाँ पे 2 बार धागा लेंगे एंड एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। ये हमारा इतना बड़ा लूप हो गया एंड फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे एंड यहाँ पे हम इस लूप के अंदर से 4 बार धागा लेंगे। ये देखिए 3 हो गए एंड ये 4 हो गए एंड यहाँ पे एक साथ हम इन धागों को बंद करेंगे एंड ये हमारे 2 फंदे रह गए हैं, इसे भी बंद कर देंगे एंड फिर से हम यहाँ पे इस पॉप के पीछे से हम इस तरीके से ये जो हमारा चेन है यहाँ से हम धागा लेंगे। यहाँ पे हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर से हम धागा लेंगे, 4 बार धागा लेंगे एंड फिर से हम पॉप बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम धागा ले के पॉप बनाएंगे एंड फिर पॉप को बंद करने के बाद यहाँ पे हम फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए 3 हो गए, 4 हो गए एंड फिर से हम यहाँ पे धागा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये पॉप बनाने हैं एंड 4 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से ये हमें टोटल 10 बनाने हैं इस लूप के अंदर। तो हम आपको ये 10 कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने टोटल 10 बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हमारे कंप्लीट हो गए एंड यहाँ पे जो हमने इसे स्टार्ट किया था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये छोटा सा फ्लावर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी मोती अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी मोती अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की भी मोती अटैच कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस तरीके की भी मोती अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर लगेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।